यहाँ आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, टाइम, और यहाँ क्या लिया है, पोजीशन। अगर कोई लाइन आपकी बिल्कुल यहां आ जाए, कोई किसी का किसी बॉडी है, चल रही है नहीं चल रही, उसका ग्राफ आपका बिल्कुल एक्स एक्सिस पर बन गया, टाइम एक्सिस पर। मैं इस नाम लाइन को नाम दे रहा हूं ए, क्या? तो इस लाइन से किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट होगा, ए से किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट होगा? नो मोशन, क्योंकि जब टाइम जीरो था पोजीशन जीरो, जब टाइम आगे बढ़ा तो भी पोजीशन जीरो, जब टाइम बढ़ा तो भी पोजीशन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है बॉडी एट रेस्ट, कहां पर, एट ओरिजिन। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे हो जाए तो टाइम के साथ, टाइम जीरो पर जो पोजीशन थी वही टाइम आगे बढ़ने पर है, वही टाइम आगे बढ़ने पर है। तो ये भी क्या है, यहां मैं इसका नाम लिख रहा हूं बी, बी पी क्या है, बॉडी एट रेस्ट, लेकिन ये पोजीशन पर नहीं है, पोजीशन से ओरिजिन से थोड़ी आगे। मतलब कैसे है कि आपने अपने ऑब्जर्वेशन में इस खंबे को तो बना रखा है क्या ओरिजिन, और गाड़ी आपकी यहां खड़ी हुई है, जीरो सेकंड पर भी वही डिस्टेंस है, 10 सेकंड पर भी वही डिस्टेंस है, 20 सेकंड पर भी वही डिस्टेंस है, तो रुकी हुई है बॉडी लेकिन ओरिजिन से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, ठीक ओरिजिन पर नहीं है, जहां आपने ओरिजिन कंसिडर किया है वहां नहीं है आपकी बॉडी, उससे आगे पीछे कहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा बॉडी एट रेस्ट कहां, बियॉन्ड ओरिजिन, बॉडी एट रेस्ट बियॉन्ड ओरिजिन, करेक्ट। अगर आपका ग्राफ ये बनता है सी ग्राफ, तो क्या है, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी कैसी है इस टाइम, यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर आपका ग्राफ बन जाए ऐसे डी, तो डी से क्या हो जाएगा, बॉडी इन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये ग्राफ आपका बने नीचे की तरफ झुकता हुआ, है ना, ई ग्राफ, तो क्या है, बॉडी इन रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन में है। और कोई भी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन के पैरेलल नहीं हो सकता, कोई भी लाइन पोजीशन एक्सिस के पैरेलल नहीं आ सकती। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टाइम 5 सेकंड पर वो यहां भी है, वो यहां भी है, वो यहां भी है, वो यहां भी है। अगर बाय दी वे मैं एक लाइन बना दूं, ऐसी बना दूं पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, और ये 5 सेकंड का टाइम है, तो 5 सेकंड के टाइम पर वो ओरिजिन पर भी है, 5 सेकंड के टाइम पर वो ओरिजिन से कम डिस्टेंस पर ही, और ठीक उसी टाइम पर वो कहां है, ओरिजिन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर भी है। तो कोई बॉडी तो इस काम को कर नहीं सकती, कोई भूत भूत हो तो बात अलग है, वो मेरे पास भी है और वो किसी और के घर पे भी डरा रहा, दोनों जगह एक साथ है, दो जगह एक साथ कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी लाइन अगर आपकी पोजीशन एक्सिस के पैरेलल आती है, इसका मतलब वो ग्राफ गलत बना हुआ, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है इतनी बात, लिख लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए। एक्स एक्सिस पर आपको लेना है टाइम सूटेबल स्केल पर, और वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, स्पीड, या तो स्पीड या वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी लेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड लेंगे, दोनों एक जैसे हैं। और ये एक जनरल मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी, बिल्कुल वैसी टेबल बना लीजिए पहले आप, तो जीरो टाइम पर कितनी स्पीड है, फिर 5 सेकंड पर कितनी स्पीड है, फिर 10 सेकंड पर कितनी स्पीड है, और डॉटेड बना करके आपने लाइन ज्वाइन कर दी, बन गया, ठीक है। इससे आपको क्या क्या पता लगेगा, इस ग्राफ से, इस ग्राफ से सबसे पहले आपको पता लग सकता है स्पीड एट गिवन इंस्टेंट, क्या, स्पीड एट गिवन टाइम। जैसे आपसे यह कहा जाए कि टाइम t1 पर कितनी स्पीड है, तो टाइम t1 से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल, और फिर जहां ये ग्राफ को टच किया इसने, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये स्पीड है। तो स्पीड एट गिवन टाइम क्या, एट टाइम t1 कितना लिखेंगे आप, v1। आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, कब,
एट गिवन स्पीड। आपको पूछा जाए कि जब स्पीड v2 है तब कितना टाइम हो रहा था, तो आप x एक्सिस के पहले टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां ये ग्राफ को मीट कर जाए, फिर y एक्सिस के पैरेलल लाएंगे टाइम एक्सिस तक, और ये जो भी टाइम होगा इसको लिख देंगे, टाइम एट गिवन स्पीड v2 इज t2। किसी भी टाइम पर आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्पीड के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। और यहां से क्या फाइंड हो सकता है, यहां से फाइंड होगा आपका एक्सेलरेशन जो निकल कर आता है किसका, स्लोप ऑफ लाइन। ध्यान दीजिए पीछे पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन से क्या मिल रहा था, पीछे स्पीड टाइम ग्राफ सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन से मिल रहा था आपको स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अब स्लोप की स्लोप से क्या रिप्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन। और कैसे निकालेंगे आप एक्सेलरेशन, जिसका आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस लाइन को आप किसी एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस बना लीजिए। मैंने इसका नाम लिखा पी, इसका नाम लिखा क्यू, इसका नाम लिखा आर, बन गया राइट ट्राइंगल। ये देखिए राइट ट्राइंगल बन गया। तो अब स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलेगा इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, कितना आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू कितना है आपका, वी टू में से वी वन सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से यहां तक वी टू है और ये वी वन है, वी टू माइनस वी वन, और ये पी क्यू कितना है, यहां से यहां तक का टाइम ये क्या है टी टू और ये टी वन है, तो T2 माइनस T1, इससे क्या निकल जाएगा एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान से एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, आ गया ना वही कोई फॉर्मूला, बनाइए इसे। इससे आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी Distance traveled by the in given time interval। जैसे आपको यह पता लगाना है कि टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इट इज गिवन बाय एरिया enclosed between graph line and टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस और ग्राफ लाइन के बीच जो भी एरिया आता है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। तो अगर T1 से T2 तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, इस पूरी जो भी शेप बन जाए, हो सकता है शेप ट्राइंगल बन जाती, हो सकता है शेप रेक्टेंगल बनती, स्क्वायर बनता। अभी कैसी शेप बनी हुई है, अभी बनी हुई है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इनटू वन बाय टू, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सी दो पैरेलल साइड्स हैं यहां पर बताना, पीटी वन और आर टी वन, आर टी टू। मैं इसका भी पॉइंट का नाम लिख देता हूं, इसका नाम क्या लिखा जाए, एस लिख दिया, इसका नाम टी लिख दिया, चलो आई लिख दिया इसका नाम। तो ये क्या बनेगी, पैरेलल साइड्स पी एस प्लस आर आई, पी एस प्लस आर आई और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का प्लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एस टी है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या कह रहे हो, मैंने एस टी ग्राफ लिखा एस आई, ठीक एस आई। अब पी एस कितना है, देखो पी से लेके एस तक कितना है, वी वन है, वी वन, और आर से लेकर आई से लेकर आर तक कितना है, वी टू है ये, और एस टी कितना है, एस आई, एस आई ये कितना है, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। जो भी इनकी वैल्यूज हो यहां से आपको क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से आपको फाइंड होगा डिस्टेंस।
ठीक है, ई जैसे भी लेंगे, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी हो आपके पास, ठीक है। सबसे पहली लाइन अगर आपकी लाइन यहां आ जाए, बिल्कुल एक्स एक्सिस पर ही आ जाए, जिसे हम ए लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, टाइम जीरो पर स्पीड जीरो है, आगे बढ़ा टाइम तो भी स्पीड जीरो है, टाइम और ज्यादा हुआ तो भी स्पीड जीरो है, इससे क्या रिप्रेजेंट होगा आपको, ए से रिप्रेजेंट होगा क्या, बॉडी एट रेस्ट। और अगर ऐसी लाइन आ जाए जैसी कि अभी हमने बनाई है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन, जब तक ये लाइन में इंक्लिनेशन है, तिरछी है लाइन, ये इंक्लाइंड है, तब तक एक्सीलरेशन है, ठीक है। अगर आपका ऐसा बन जाए ग्राफ, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम जीरो पर जितनी स्पीड, 5 सेकंड पर भी उतनी स्पीड, 10 सेकंड पर भी उतनी स्पीड, तो क्या बॉडी रुकी हुई है, नहीं नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर ये ग्राफ आपका यहां से शुरू हो, जैसे कि हमने पीछे बनाया था, यहां से शुरू हो, तो क्या रिप्रेजेंट होता है, तो रिप्रेजेंट ये होता है कि टाइम जीरो पर स्पीड जीरो नहीं है, सर्टेन इनिशियल स्पीड जरूर है। ये जो बी लाइन हमने बनाई है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन इसमें भी एक खास बात देखो ध्यान से, कि ग्राफ आपका जीरो से शुरू हो रहा है, टाइम जीरो पर कितनी स्पीड है, टाइम जीरो पर कितनी स्पीड है इसमें, जीरो। तो यहां हम लिखेंगे इसी में एक और, इनिशियल स्पीड ग्रेटर देन जीरो, शुरुआत में वो सॉरी इनिशियल स्पीड इक्वल्स टू जीरो। और सी वाले ग्राफ में, इस डी वाले ग्राफ में क्या बनेगा बोलिए, कि टाइम जीरो पर भी स्पीड जीरो नहीं है, तो ये भी क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और जबकि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, कुछ ना कुछ है जरूर, ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट। यही ग्राफ अगर आपका बन जाए ऐसे, नीचे को लाइन आती हुई, तो देखिए टाइम जीरो पर स्पीड है, टाइम आगे बढ़ा स्पीड कम हो गई, टाइम आगे बढ़ा स्पीड और कम हो गई, टाइम आगे बढ़ा स्पीड और कम हो गई, तो कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। और अगर बाई दी ये बिल्कुल एक्स एक्सिस को मिल जाए, तो इस टाइम पर स्पीड कितनी हो गई, जो भी टाइम रहा हो यहां पर स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये हमारा, इसको मैं बना लेता हूं क्या, ई, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। स्पीड के बारे में लिखूं क्या, या दिखाई दे रहा है शुरू में कुछ ना कुछ है स्पीड, और फिर फाइनली स्पीड जीरो, ठीक है, बना लीजिए इन सबको।